रंधावा, उन्होंने समय मांगा है राज्यपाल से मुलाकात करने का। रंधावा ने उनसे समय मांगा है, उनसे वो मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठा भी दिया जाए, क्योंकि उनके नाम पर मुहर तो लगी चुकी है, लेकिन यहां पर आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। और उससे पहले राज्यपाल से समय मांगा है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनके नाम पर पंजाब कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। सभी विधायक उनके नाम को लेकर सहमत भी है और रंधावा का सीएम बनना तय है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर रंधावा का सीएम बनना तय है राज्यपाल से मिलने का। उन्होंने समय मांगा है, उनके नाम पर मुहर भी लग गई है और कई विधायक उनके समर्थन में सामने भी आ गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा अब नए सीएम होंगे और उनके नाम पर मुहर भी लग गई है। राज्यपाल से उन्होंने समय भी मांग लिया है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, और कुछ ही देर में हो सकता है राज्यपाल से वो मुलाकात भी करें। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मिलने के लिए समय मांगा है और कुछ ही देर में उनकी मुलाकात भी हो सकती है राज्यपाल के साथ। और सुखजिंदर सिंह रंधावा ऐसा नाम था जो काफी लंबे समय से चर्चा में था। हालांकि उससे पहले अंबिका सोनी को भी ये ऑफर दिया गया था कि वो पंजाब की सीएम बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पद का चेहरा एक सिख चेहरा ही होना चाहिए। तो ऐसे में अब सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर आखिरकार मुहर लगी। चमन पलाने इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन, और क्या जानकारी है? देखिए, सुखजिंदर रंधावा की तरफ से जो है वो राज्यपाल से मिलने का जो है समय मांग लिया गया है, और अब किसी ही समय के बाद जो है वो जैसे ही सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का जो हाईकमान की तरफ से जो लेटर आएगा, उसके बाद तुरंत बाद जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे और वहाँ पर उनका जो है वो गवर्नमेंट से मिलने का समय के लिए जो है रंधावा की तरफ से जो है वो कह दिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी थोड़ी देर बाद ही टाइम दिया जाएगा और इसके बाद जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा को शायद आज ही जो है वो मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो भी दिलवाई जा सकती है। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें, सभी दर्शकों को ये बता दें कि सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही आपको बताया था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तय हो गया है सीएम पद के लिए। सीएम पद अब अमरिंदर सिंह के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ही अगले सीएम होंगे पंजाब के। उनके नाम पर मुहर लग गई है। न्यूज 18 के चमन पलाने की खबर है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, और राज्यपाल से उन्होंने मिलने का समय भी मांग लिया है और कुछ ही देर में वो राज्यपाल से मिलने भी निकल सकते हैं। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तय हो गया है सीएम पद के लिए, राज्यपाल से वो मिलेंगे कुछ ही देर में। लगातार कई तरह की अटकलें इससे पहले लगाई जा रही थी। अंबिका सोनी को भी कहा गया था कि वो भी पंजाब की सीएम बन सकती है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम अब तय हो गया है। चमन, बहुत बड़ी जो उलझन थी, एक अटकलें कई तरह की लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं अब उन पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। अभी देखिए, कल से ही जो बात चल रही थी कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसके बाद नई अटकल ये चल रही थी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अब इससे जो है वो विराम लग चुका है, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही अगले पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे और कुछ ही समय बाद जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे और उसके बाद जो है आज भी मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो दिलाई जाएगी। जी चमन, बिल्कुल। और यहाँ पर सीएम पद का नाम तो तय हो गया है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जी देखिए, यहाँ आज जो मीटिंग हुई है उसमें सभी सामने आई है कि दो डिस्ट्रिक्ट सीएम की जो बात थी वो इसकी चर्चा भी चली है, और जिस पर जो है वो भारत जो आशू भूषण है उनको डिस्ट्रिक्ट सीएम बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि भारत आशू भूषण जो है वो एक हिंदी कह रहे हैं और एक अरुणा जो कैबिनेट मंत्री भी है इस समय, और अरुणा चौधरी वो भी इस समय कैबिनेट मंत्री है और उनको भी डिस्ट्रिक्ट सीएम लगाया जा सकता है, क्योंकि अरुणा चौधरी जो है वो एक दलित जमात से भी है और जो भारत आशू भूषण है वो हिंदू 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 नाम है।